तो आज थोड़ी देर हो गई थी और मुझे ना छोले बनाने थे, तो मुझे ना प्रभु का भोग भी लगाना था। तो मैंने कहा क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो पहले मैंने ना ऐसे ही थोड़े से छोले निकाल दिए, उनमें हल्का सा नमक डाल दिया और चावल और कुछ फ्रूट्स मैंने और दूध मलाई जो उन्हें बहुत पसंद है। हालांकि प्रभु तो प्यार से कुछ भी, श्रद्धा से कुछ भी खिलाओ ना, सब खा लेते हैं। वो तो प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। तो फिर मैं जल्दी से नीचे आई, मैंने ना छोले बनाए। फिर छोले बहुत टेस्टी बने थे। तो बस मैंने क्या किया, बॉयल किए हुए छोले पहले ही रखे हुए थे और उसका मसाला जो था वो मैंने फटाफट से बनाया। तो देर वैसे भी हो रही थी लंच के लिए, तो मैंने फटाफट से ना पीस लिया लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने तैयार किया और फटाफट से मैंने टमाटर प्यूरी तैयार की। छोला ना मुझे इस हद तक पसंद है, बॉयल हुआ जब तक उसका छिलका ना अलग हो जाए तब तक मुझे छोला पसंद नहीं आता ऐसे। तो मैंने बस फटाफट से तड़का लगाया, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सबसे पहले बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब छोला बनाती हूँ, और थोड़ा चॉप किया हुआ प्याज, तेज़पत्ता, जीरा, हींग, और लास्ट में अनियन गार्लिक पेस्ट मैंने डाला। और फिर अच्छे से उसको भूना, अच्छे से भूनना है यार, जब तक उसमें तेल मसाला ना छोड़ दे। इवन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेन रोल ना मसालों का ही होता है सब्जी में। आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, छोला, पनीर या कुछ भी आप बना रहे हो, अगर मसाला अच्छे से पका है और उसके मसाले भुनने की जो टाइमिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। फिर उसके बाद में मैंने टमाटर प्यूरी डाली और उसको भी अच्छे से मैंने भूना, वही 2 से 4 मिनट उसको अच्छे से भूनना है, और खुशबू आने लगेगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो बस मैंने हमेशा की तरह मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, मैंने फिर यूज़ किया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा छोला मसाला भी डाला है। वैसे छोला मसाला भी मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मन होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो बस फिर क्या, फिर अच्छे से भूनिए, पकाइए उसको, और जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाए। इसके बाद मैंने दोस्तों को देखा है छोला बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है जब छोला बॉयल करते हैं वो पानी हटा देते हैं, तो वो पानी नहीं हटाना चाहिए, उस पानी में ही तो सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं। तो आप वो मत हटाइए, उसको एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करना है मसालों में। मतलब छोला का जो पानी है उसको नहीं हटाना, अलग नहीं करना है, उसी पानी से ही छोला बनाना है। तो मसाले जब पक जाते हैं तो खुद अच्छी सी खुशबू आने लगती है, पता चल जाता है कि मसाले पक गए हैं, और इस फॉर्म में जब आ जाए तो बस मैंने बाद में बॉईल किया हुआ छोला डाल दिया उसके पानी के साथ। उसके बाद बस 3 से 4 मिनट मैंने और पकाया, बस छोला रेडी हो गया और लंच का टाइम भी हो गया था, और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। सबसे बड़ी चीज़ें ज़्यादा मसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं बताऊँगी आपको कि आप ज़्यादा मसाले यूज़ करें क्योंकि नुकसान ही करते हैं। तो बस खाना लग चुका है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे सभी को।